हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा रिप्रोडक्शन के बारे में कि प्रजनन क्या होता है। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीवित जीव अपने वंश को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। यानी किसी भी जीव द्वारा अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया को प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात करें रिप्रोडक्शन के प्रकार की तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी विधि होती है जिसमें कोई भी मातृ जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही मातृ जीव की आवश्यकता होती है और इस प्रकार जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वह अपने मातृ जीव के समान या हूबहू या हम कह सकते हैं कि जीरोक्स कॉपी होते हैं। कुछ विधियां हैं जिन विधियों से अलैंगिक जनन होता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है बाइनरी फिजन यानी कि द्विविभाजन की। द्विविभाजन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी मातृ जीव एक सामान्य तरीके से कोशिका विभाजन की तरह एक से दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और यह विभाजन प्रायः एक कोशिकीय जीवों में ही होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने युगलीना बनाया हुआ है, युगलीना का शरीर ऐसे बीच से डिवाइड होकर के दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक युगलीना से दो युगलीना का निर्माण होता है। दूसरी जो अलैंगिक जनन की विधि है वह है बडिंग यानी कि मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि मातृ जीव से एक बाह्य वृद्धि निकलती है, उस बाह्य वृद्धि को हम लोग मुकुल कहते हैं। ये मुकुल प्रतिकूल परिस्थितियों में मातृ जीव से टूट करके अलग हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि है वो है स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। यह प्रायः निम्न कोटि के जीवों जैसे कि कवकों में, शैवालों में, बीजाणुओं में, जीवाणुओं में होता है। इसमें क्या होता है कि इनके विशेष कोशिका से कुछ बीज जैसी संरचनाएं बनते हैं जिन्हें हम लोग बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु चल अचल दोनों तरीके के हो सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी बीजाणुधानी जो होती है वो फट जाती है और बीजाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और यही बीजाणु पुनः अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। अगली जो विधि है वह है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। फ्रेगमेंटेशन में कोई भी मातृ जीव किसी भी कारणवश टूट करके दो या उससे अधिक खंडों में बढ़ जाती है और अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। यह विधि भी प्रायः कवकों एवं शैवालों में, लाइकेन्स में पाया जाता है। पांचवी विधि जो है वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है कि पौधे के कायिक भाग यानी पुष्प को छोड़कर के पौधे में जो भी जड़, तना, पत्ती होते हैं वह पौधे के कायिक भाग कहलाते हैं और पौधों के कायिक भाग से होने वाले रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। ये दो विधियों द्वारा होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जिसमें पौधों के प्राकृतिक भाग जैसे कि तना से, जड़ से, पत्ती से नए जीव का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं दूब घास में, पुदीने में, हल्दी में, आलू में, इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन होते हैं वह पौधों के कायिक प्रवर्धन द्वारा होते हैं। और कायिक प्रवर्धन का जो दूसरा भाग है वह आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में पौधे मनुष्य के द्वारा कराए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा रिप्रोडक्शन कराया जाता है। इनकी भी कई विधियाँ हैं जैसे हम लोग देख सकते हैं कटिंग, कलम काटना, ग्राफ्टिंग, रोपण करना, लेयरिंग, दाब लगाना या माइक्रोप्रोपेगेशन जिसमें हम लोग टिशू कल्चर के द्वारा सूक्ष्म ऊतक लेकर के, टिशू लेकर के प्रयोगशाला में छोटे छोटे पौधों का निर्माण करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।